हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको डाबर ब्रांड के रेड पुलिंग ऑयल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये ऑयल आपके दांतों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, इन सब के बारे में। तो गाइस यदि आप अपने दांत और मसूड़ों की समस्या से परेशान हैं, दांतों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं या फिर जम्स से अपने दांतों को मुंह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दांत और मसूड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं डाबर ब्रांड के रेड पुलिंग ऑयल के बारे में। ये गाइस एक आयुर्वेदिक माउथ वॉश है जो कि 99.9% कीटाणुओं को मार गिराने का काम करता है, मुंह की पूर्ण देखभाल करता है, इसके साथ साथ ही दांतों और मसूड़ों को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा, मुंह की बदबू को कम करने का काम करता है और अन्य प्रकार की जो दांत संबंधी समस्या है उनसे भी राहत देने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके मुंह को कोई नुकसान पहुंचाए। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में कोकोनट ऑयल, शीशम ऑयल, तुलसी, थाइम मिंट, सिनेमोन ऑयल और क्लोव। तो कोकोनट ऑयल गाइस आपके दांतों के लिए बेस्ट होता है, शीशम ऑयल भी दांत और जम्स के लिए अच्छा होता है, तुलसी गाइस आपकी जो सांसों में से बुरी बदबू आती है उसे ठीक करता है, फ्रेश खुशबू लाने में मदद करता है, और जो थाइम मिंट है वो दांतों के दर्द से राहत देता है, और इसके साथ साथ ही क्लोव जो होता है वो भी दांतों के दर्द से राहत देने में मदद करेगा। यूज करने का तरीका कि किस तरीके से अपन को इसे इस्तेमाल में लेना है, तो गाइस आपको एक टेबल स्पून ये पुलिंग ऑयल लेना है और फिर कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको मुंह में कुल्लासा करता रहना है। कुल्लासा करके फिर गाइस उस पानी को आप बाहर थूक दें। तो गाइस अगर आप नियमित रूप से इसे इस तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। वैसे तो गाइस ये अपने दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसे इस्तेमाल में लेने के बाद यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो उसी टाइम आप इसे इस्तेमाल में लेना बंद करें, डॉक्टर से कंसल्ट आप जरूर करें। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। इसका 195 ml की पैकेजिंग गाइस आपको 242 रुपए में मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट के बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। तो गाइस यदि आप दांतों या मसूड़ों में तकलीफ से परेशान हैं, कीटाणुओं को जम से अपने दांतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस ये ऑयल आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रहेगा, तो एक बार आप इसे इस्तेमाल में लेके जरूर देखें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे, और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।